अस्सलामु अलैकुम। हजरत उमर ने अमाल का तकर्रुर फरमाया और एक एक से अहद लिया, तुम में से कोई तुर्की घोड़े पर सवार ना होगा, छना हुआ आटा नहीं खाएगा, बारीक लिबास नहीं पहनेगा, अपने दरवाजों पर दरबान नहीं बिठाएगा, हाजतमंदों के लिए दरवाजे हमेशा खुले रखेगा। उमर फारूक अमूर सल्तनत की मुशक्कत में जकड़े एक बार कहीं जा रहे थे, मान आवाज आई, ए उमर, क्या ये मुआहदे तुम्हें अल्लाह के हजूर निजात से हमकिनार कर देंगे? तुम्हें खबर हो कि तुम्हारा आमिल एयाज बिन गनम बारीक लिबास जेब तन करता और दरवाजे पर पहरेदार रखता है। वहीं से पलटे और मोहम्मद बिन मुस्लिम से कहा, जाओ एयाज बिन गनम जिस हाल में हो पकड़ कर ले आओ। मोहम्मद बिन मुस्लिम पहुंचे तो देखा एयाज ने दरवाजे पर दरबान बिठा रखा है, बारीक लिबास पहन रखा है, अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में चलने को कहा तो कहने लगे, इजाजत हो तो कबा पहन लूं। मोहम्मद बिन मुस्लिम ने इनकार कर दिया। इसी हाल में उमर के पास पहुंचो। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने देखा तो हुक्म दिया, कमीज उतार दो। कमीज उतार दी तो एक कुर्ता, एक असा और बकरियों का रेवड़ मंगवाकर हुक्म दिया, एयाज जाओ जाकर बकरियां चराओ। एयाज मुतजब्जिब हुए और कहा, अमीरुल मोमिनीन इससे तो बेहतर मौत है। फरमाया, घबराओ नहीं, तुम्हारे बाप का नाम गनम इसीलिए रखा गया था कि वो बकरियां चराता था। सगीर कमर साहब ने ये वाकया और तारीख के औराक से कुछ झलकियां मजीद दिखाई हैं, जो आज हमारे जमीर को झंझोड़ने के लिए काफी हैं। अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत नुमान बिन अदी को मिसान का अमल बनाकर रवाना किया। वो अपनी जौजा मोहतरमा को साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने साथ जाने से माजरत कर ली। जब मिसान पहुंचे तो बीवी की याद ने तड़पा दिया, चुनांचे अहलिया के नाम अरबी अशार में एक खत लिख भेजा जिसका मफहूम ये था, मेरी तरफ से उस पैकरे हुस्न तक कोई पैगाम पहुंचा दे कि उसका शौहर मिसान में शराब पी रहा है, जब मैं चाहता हूँ देहाती मेरे लिए गीत गाते हैं और सितार हर तरह सुर बजाता है, अगर तुम मेरी हम नशीं होती तो बड़े प्याले से पिलाती ना के छोटे प्याले से, शायद अमीरुल मोमिनीन को हमारी मुसाहबत नागवार हो। हजरत उमर को इस खतो कताबत का इल्म हुआ तो आपने नुमान बिन अदी को लिख भेजा, मैंने तुम्हारा आखिरी शेर पढ़ा है, असल में मुझे इस तरह की हम नशीनी पसंद नहीं, मिसान से फौरन लौट आओ, और उसके साथ ही उन्हें माजूल कर दिया। वो मिसान से आए और अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन खुदा की कसम ये सब कुछ न था, महज चंद अशार मेरी जुबान पर जारी हो गए थे, वरना मैंने कभी शराब नहीं पी। फरमाया, हाँ मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन अब तुम कभी मेरे आमिल नहीं बन सकते। अबू मूसा अशारी के मुंशी ने हजरत उमर के नाम एक खत लिखा और उसमें मन अबी मूसा की बजाय खिलाफे कायदा मन अबू मूसा लिख दिया। खत हजरत उमर तक पहुंचा तो उन्होंने देखकर फौरन अबू मूसा को जवाब लिखा और कहा कि जिस वक्त मेरा खत पहुंचे मुंशी को बुलाकर एक कोड़ा मारो और मनसब से अलहदा कर दो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक मर्तबा अपने एक साथी से पूछा, मैं तुम्हें अपना और सैयदा फातिमा तुज़्ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हो का एक वाकया सुनाऊं? अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन जरूर सुनाइए। फरमाया, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा तुज़्ज़हरा अपने हाथ से चक्की पीसती थी, यहाँ तक के उनके हाथ में गट्टे पड़ गए, मशकीजे में पानी भर कर लाती जिससे उनके शानों पर मुश्की रस्सी के निशान पड़ गए, सारे घर में खुद झाड़ू देती और कपड़े मैले हो जाते, खाना पकाती, कपड़े धोती, बच्चों की देखभाल करती, मेरी खिदमत बजा लाती। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चंद गुलाम और बांदियां पेश की गईं। हजरत अली फिर कहते हैं कि मैंने सैयदा से कहा, तुम जाकर एक खिदमतगार मांग लाओ। वो गईं, लेकिन मजमा देखकर शर्मा गईं और पलट आईं। अगले रोज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ लाए, कल आने का सबब पूछा, वो शर्म से चुप रहीं। हजरत अली कहते हैं कि मैंने सारी मुशक्कत का हाल क्या सुनाया, लेकिन फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और अली के पास एक ही बिस्तर है और वो भी मेंढे की एक खाल का, जिसे रात बिछाकर सोते और सुबह उस पर घास और दाने डालकर ऊंट को खिलाते हैं। फरमाया, बेटी सबर कर, अल्लाह के नबी मूसा और उनकी बीवी के पास 10 बरस तक एक ही बिछोना था और वो भी हजरत मूसा का चोगा, और फिर बेटी तकवा इख्तियार करती रही। इन वाकयात के बाद सगीर कमर साहब लिखते हैं कि इधर हमारे मुल्क की कुछ
कुछ बेगमात हैं कि जिनके आगे पीछे गुलामों के जुलूस हैं, जो आजादी चाहती हैं, जिनके नसीब में कभी आजमाइश की घड़ी नहीं आई, जिनको मुशक्कत की हवा न लगी, किस शाने बेनियाजी के साथ अपना ताल्लुक उन इफ्तेमाब मीनारे नूर सरापा इस्लाम खवातीन से जोड़ती हैं, और किस तजाहुले आरिफाना से अपना ताल्लुक क्रूने उला के मुसलमानों से जोड़ती हैं। ये आजमाइश की इस घड़ी में पलट आए कि इनकी आकबत की खैर इसी में है। काश कोई ये चंद जुमले जाकर उनको बता दे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा खड़े हो गए और पुकारने लगे, ए औलादे अब्दुल मुत्तलिब, ए अब्बास, ए सफिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी, ए फातिमा बिन्नत मोहम्मद, तुम लोग अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, क्योंकि अल्लाह की पकड़ से मैं तुम्हें बचाने का इख्तियार नहीं रखता। हाँ, अलबत्ता मेरे माल से जो तुम चाहो मांग सकते हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्हीं गुजारशात के साथ इजाजत चाहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।